नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तर्रार में और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं हेयर क्राउन सैलून के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर आने की एक वजह है, इन्होंने ये दावा किया है कि लगभग 2,999 रुपए में इतनी सारी सर्विसेज दे रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल नामुमकिन है। अब आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 3,000 रुपए में, मतलब लगभग 3,000 रुपए में ये कैरेटीन हो, हेयर कट हो, कलर हो, शाइन बॉन्ड हो, ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि एक चीज़ करवाने जाते हैं तो ही 3,000 से 4,000, 5,000 रुपए हमारे खर्च हो जाते हैं। अब आखिर इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है कि वाकई में ये ऐसा कुछ दे रहे हैं या फिर बस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब कुछ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है चलते हैं अंदर और चल के अंदर इनसे खुद ही पूछेंगे कि आखिर है क्या। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अंदर। सर, क्या नाम है आपका? शहजाद। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो आपने लिख रखा है क्या ये सच है? 3,000 रुपए में आप इतनी सारी चीजें दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सच है मैम। मजाक तो नहीं? क्योंकि देखिए, अप्रैल का महीना जा चुका, कहीं आप अप्रैल फूल वाला गेम खेल रहे हो। मजाक कैसे करेंगे हम? ये 3,000 रुपए में स्मूथनिंग, केराटिन, स्मार्ट बॉन्ड, हेयर कट कैसे पॉसिबल है ये? मैम हो जाता है मैम, हमें बल्क में माल उठाते हैं और ये लोरियल एंड सोसो का ब्रांड यूज करते हैं। आप लोरियल का सामान यूज करके इतना सस्ता दे रहे हैं? 100% तो आप पक्का मजाक कर रहे हैं। अरे मैम, मजाक नहीं है इस चीज के लिए। कैसे पॉसिबल है आप मुझे ये बताइए ना। हम बाहर जाते तो 3,000-3,000 में तो एक सर्विस ले पाते हैं, आप 3,000 में 3-4 सर्विसेज दे रहे हो। मैम, हमने कंपनी से टाई अप किया हुआ है तो इसलिए हमें प्रोडक्ट सस्ता मिल जाता है और हम क्लाइंट को सर्विस देते हैं उस चीज में सस्ते में थोड़ा सा। इसके अलावा आपने 3 से 4 चीजें लिखी हुई हैं, इसमें भी अलग अलग है, आपकी चॉइस है, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, कलर, केराटिन, स्मार्ट बॉन्ड, हेयर कट। नहीं, ये वो 4 सर्विसेज है, 2,999 में ही। अच्छा, 4 सर्विसेज 2,999 में है और ये हम क्लाइंट को के सामने ही हर प्रोडक्ट यूज करते हैं ताकि क्लाइंट को ट्रस्ट भी रहे और रिजल्ट भी बेटर आए। कौन कौन से ब्रांड आप यूज करते हैं? लोरियल एंड सोसोफ का ब्रांड यूज करते हैं मैम। अच्छा, लोगों की डिमांड रहती है कि मुझे लोरियल ही चाहिए या ऐसा कुछ खुद से आके? हाँ, बोलते हैं, वो भी कर देते हैं? हाँ बिल्कुल, क्लाइंट की डिमांड भी होती है कि लोरियल करनी है तो लोरियल कर देते हैं, सोसोफ करना तो सोसोफ कर देते हैं, लेकिन रिजल्ट जो स्मूथनिंग का जो प्रोडक्ट पर रिजल्ट आता है हम वो क्लाइंट को बताते हैं कि इससे ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। इसके अलावा भी क्या आपके पास ऐसे कोई ऑफर्स हैं? हाँ, बहुत ऑफर्स आते हैं और निकालते रहते हैं टाइम टू टाइम पे, क्लाइंट उसको अवेल करता है, लेता है और अच्छा रिजल्ट लेके जाता है यहाँ से हमारे से। अच्छा, ये वाला जो आपने ऑफर निकाला है, हमारी वीडियोस देखने के बाद जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं उनको क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ उनको यहाँ मिलने वाला है खास? उनको खास एक रिजल्ट सबसे बेस्ट मिलने वाला है, सबसे बढ़िया बात। तो जो अभी तक नहीं आए और जो ये वीडियो देख के आ रहे हैं उनको जो एक बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और उनको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छे से, जैसे कहते हैं ना बेस्ट रिजल्ट देना है, इसी से रहेगी हमारी। अच्छा, टाइमिंग क्या रहती है आप लोगों की? 10 to 9 की टाइमिंग रहती है, 7 days ओपन। हाँ, 7 days ओपन रहती है। क्यों, आपको आराम नहीं चाहिए होता? अरे नहीं मैम, आराम के काम है तो सब चीजें है, आराम ये हो जाता है। अच्छा, ये वाला जो आपने ऑफर निकाला, ये 3,000 रुपए में आप 4 चीजें दे रहे हो, इसके लिए तो लंबी लंबी लाइनें लगी रहती होंगी आपके पास? हाँ बिल्कुल, अपॉइंटमेंट फिक्स रहती है पहले से, ऑलरेडी अपॉइंटमेंट सिस्टम रहता है तो मैनेज करना पड़ता है, ये चीजें रहती। तो कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है आपको? इस कांटेक्ट नंबर मैं वीडियो में दे देता हूँ मैं आपको और वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं उस नंबर पे कॉल करके आपसे अपॉइंटमेंट ले। राइट राइट। तो देखिए, इनके जो नंबर्स हैं वो स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं, आप देख सकते हैं, नंबर्स पर आप कॉल करके जो अपॉइंटमेंट है वो ले सकते हैं। हम यहाँ पर खुद भी आए क्योंकि मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा था 3,000 रुपए में इतनी सारी सर्विसेज आखिर कोई कैसे दे सकता है। भैया, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि प्रोडक्ट कोई और आप डिब्बे में डाल के रखते हो? क्योंकि मैंने ऐसा सुना ऐसा होता है। नहीं मैम, हम फेक प्रोडक्ट यूज नहीं करते क्योंकि हमें क्लाइंट बनाना होता है, वो क्लाइंट एक बार खराब हो जाए क्लाइंट की वैल्यू होती है ना, कि अमाउंट की वैल्यू होती है ना प्रोडक्ट की वैल्यू, तो क्लाइंट्स की वैल्यू होती है मेन तो हमारे लिए। क्लाइंट हैप्पी होके जाएगा, रिपीट होएगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा तभी रिपीट होएगा ना वो, अगर हम फेक प्रोडक्ट यूज करेंगे। और हेयर एक ऐसी चीज होती है जो क्लाइंट, मतलब कि एक पर्सनैलिटी लुक अच्छी देता है क्लाइंट्स को और अच्छा लुक देता है। अगर हेयर ही खराब हो जाते हैं 2-3 साल के लिए खराब हो जाते हैं, फिर कभी ठीक भी नहीं हो सकते, इसलिए हम सोचते हैं कि हेयर अच्छे मैनेज रहे और बढ़िया रहे क्वालिटी के। अच्छा, आपके सैलून का नाम हेयर क्राउन है, तो क्या यहाँ पर सिर्फ बालों से रिलेटेड ही चीजें होती हैं और भी मेकअप भी होता नहीं, है? नहीं, और भी होती ऐसा है? कुछ नहीं है, सैलून है पूरी, एनीथिंग सारी सर्विस है, हेयर, ब्यूटी, नेल्स, मेकअप, सारी सर्विसेज होती है और हमारा फोकस हर सर्विसेज पे रहता है। क्लाइंट आए मेकअप के लिए आए तो मेकअप के लिए हमने एक स्पेशल स्टाफ रखा हुआ है, इससे बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है हमारे पे। नेल्स के लिए मेकअप, नेल्स के लिए आर्टिस्ट बढ़िया रखे हुए हैं, यानी कि हर सर्विस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में है और हर सर्विस बेस्ट देनी है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए लोग आते हैं? मैं वैसे तो हमारा केमिकल ज़्यादा फोकस रहता है, जैसे कि स्मूथनिंग, केराटीन, कलर, हाइलाइट्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस रहता है हमारा, ये चीज़ें। अच्छा, वैसे कुछ लोगों के मन में ये भी रहता है कि ये जो केराटीन है, स्मूथनिंग, इनसे बाल खराब होते कहीं ना कहीं, ये सच है या फिर मिथ है? मैम ऐसा कुछ नहीं है, कुछ खराब नहीं होता है,
करने वाले पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है और करने वाले पे कितना एक्सपीरियंस है बंदे को। अगर ये दोनों चीज़ बेस्ट है तो रिजल्ट इसे बेटर आएगा। अगर आपका केमिकल जो भी प्रोडक्ट आप हल्का फेक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो मैम कोई सा भी कुछ भी कराओगे तो वो तो ख़राब होने ही होने हैं, ये चीज़ें रहती है। अच्छा भैया, नेल एक्सटेंशन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, लोगों को बहुत पसंद आता है, खासकर शादियाँ हो तो लड़कियाँ बहुत करवाती हैं, उसका क्या प्राइस रखा हुआ है आपने? नेल एक्सटेंशन अभी हमने प्राइस रखा है 499 में, नेल एक्सटेंशन 499। आप मजाक तो नहीं कर रहे ना भैया? मजाक नहीं कर रहा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपका मजाक का मूड और आपने सोचा कि मैं आ गई तो मुझसे ही मजाक कर लिया जाए। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा मैम, हमें बल्क में काम लेना होता है और क्वालिटी भी देनी होती है बल्क। ऐसा भी होता है कि कई और सलून वाले करते होंगे फेक प्रोडक्ट, लेकिन हम बिल्कुल नहीं करते, क्लाइंट की वैल्यू है मैम। अगर क्लाइंट एक बार हैप्पी होके जाएगा, सर्विस अच्छी मिलेगी, तो दोबारा रिपीट भी तो वही होएगा ना फिर। और इसके अलावा बात करूँ मैं मेकअप की, तो पार्टी मेकअप हो गया, और इन सब के क्या प्राइस रखे हुए हैं आपने? पार्टी मेकअप में 1999 है स्टार्टिंग प्राइस, 1999 से होता है, और जो बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं हम वो देते हैं उसके अंदर। और क्या ब्राइडल वाला भी करते हैं आप? ब्राइडल भी रहता है हमारा, ब्राइडल रहता है 799 से स्टार्टिंग है हमारा ब्राइडल मेकअप। इतना सस्ता? ओह मैम, क्लाइंट को बुलाना होता है वन टाइम, एक बार आएगा तो क्लाइंट को अपने साथ दो चार और लेकर आएगा, तो फिर उसको सर्विस अच्छी मिलेगी तो फिर और भी सर्विसेज कराएगा, ये चीज़ रहता है ना, एक सर्विस पर डिपेंड नहीं है ना जी। तो ब्राइडल मेकअप होगा, फिर कुछ और भी कराएंगे, नेल्स होगा, स्मूथनिंग हो गया, कलर हो गया, सारी सर्विसेज लेता है, फिर उसमें चीज़ें रहती है यही चीज़ें। तो आप यहीं पर मिलते हैं हमेशा? हाँ, एनी टाइम। भैया बातें तो बहुत सारी हो गई हैं, आपने बता भी दिया है, लेकिन मुझे ये बताइए प्रोडक्ट आप कौन से यूज़ करते हैं वो दिखाइए, और उनके बारे में भी बताइए ताकि हमारी जनता को भरोसा हो आपकी बातों पर। मैम हम जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कलर में हम प्रोडक्ट करते हैं लोरियल का यूज़ है, लोरियल का ब्रांड यूज़ करते हैं, और इसका रिजल्ट इसे बेटर आता है, इसमें जो भी कलर करते हैं एग्जैक्ट वैसे ही कलर आता है, लोरियल के ब्रांड ऐसे ही क्वालिटी, मतलब जैसा दिखेगा वैसे ही आएगा, वही आता है सबसे इस मतलब लोरियल की जो क्वालिटी है, और ब्रांड उठा के देखो स्ट्रिक्स वगैरह लोग जो गोदरेज स्ट्रिक्स वगैरह जो आते हैं, कलर हम देखते कुछ है और होता कुछ है उसके अंदर, लेकिन लोरियल के अंदर जो हम कलर बताएंगे कस्टमर के अंदर वही कलर एग्जैक्ट वैसे ही आएगा। अच्छा भैया, टिकता कितने टाइम के लिए? ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, और के होम केयर पे भी डिपेंड करता है, बहुत अच्छा चल जाता है, ये चीज़ें रहती है कलर, मतलब कि क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है ना, वो क्या यूज़ कर रहा है होम केयर में, पता लगे को 555 घड़ी साबुन यूज़ करने लगे बंदा है तो वो भी थोड़ी है, ऐसा भी नहीं हो सकता, मतलब केयर भी जरूरी, केयर भी जरूरी है, होम केयर भी जरूरी होता है। ठीक है, लोरियल के ब्रांड के शैम्पू प्रोफेशनल रेंज यूज़ करें और अच्छा रिजल्ट रहता है, कोई ऐसा नहीं, बहुत अच्छा रहता है। और इसके अलावा जो आप कलर यूज़ करते हैं वो कौन कौन से करते हैं? मैम बताया ना, कलर तो आप लोरियल के ही ब्रांड में यूज़ करते हैं, अगर हाँ आप स्मूथनिंग की बात करें तो हम स्मूथनिंग में हम सोर्स ऑफ ब्रांड यूज़ करते हैं, जो कि 1 ईयर अबव चलती है, इसकी स्मूथनिंग एक बार कर देना क्लाइंट भी हैप्पी होके जाएगा यहाँ से। अच्छा, एक साल चलती है? एक 1 ईयर अबव, लोग 7-8 महीने में खुल जाती है, लेकिन हमारी कम से कम 1.5 साल चलती है। और बालों को कोई डैमेज तो नहीं होगा? कुछ डैमेज नहीं होता है, कुछ भी डैमेज नहीं होता है, कहीं ऐसा ना हो बाल झड़ने लग जाए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को कहते हुए क्या होता है डैमेज, तो बताया ना मैंने, डैमेज हेयर जब भी होंगे ना टेक्नीशियन से खराब हो सकते हैं, और प्रोडक्ट लोकल यूज़ करो तब खराब होते हैं, कभी भी है ना इन चीज़ों, ये प्रोडक्ट जो बने ना हेयर को हेल्दी करने के लिए बने, ना कि खराब करने के लिए बने। हाँ, लोकल प्रोडक्ट यूज़ कर लो तो कुछ भी हो सकता है। और ये जो आपने आगे प्रोडक्ट्स रखे हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। आया है नैनोप्लास्टर ट्रीटमेंट, जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया, अभी ट्रेंडिंग में भी है नैनोप्लास्टर ट्रीटमेंट, जो कि आप इसके 100% स्ट्रेट भी हो जाते हैं और 100% हेयर हेल्दी भी होते हैं, ड्राइनेस और डैमेज हेयर रिपेयर भी हो जाते हैं, जो कि 1 ईयर अबव चलता है ये भी। ये नैनोप्लास्टर ट्रीटमेंट ऐसा आया है अभी ट्रेंडिंग में आया, और क्लाइंट करा के हमारे से जाके बहुत ज़्यादा हैप्पी है, जो कि कई बार ऐसा होता है स्मूथनिंग कराने से, बार बार स्मूथनिंग कराने से ना हेयर ना लाइट हो जाते हैं, लेकिन 2-3 बार स्मूथनिंग कराने के बाद अगर आप ये एक बार नैनोप्लास्टर ट्रीटमेंट करा लेंगे ना तो आपका हेयर हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि स्मूथनिंग से हमेशा धीरे धीरे ना आपकी जो ग्रोथ है ना वो लाइट होती है, तो नैनोप्लास्टर इज बेटर रहता है, ये चीज़ रहती है। और जिन्होंने कभी स्मूथनिंग करवाई ना हो क्या वो भी ये करवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, इससे डेंसिटी भी बरकरार रहती है, स्मूथनिंग से थोड़ी बहुत देखो डेंसिटी कम होती है, लेकिन इससे कभी डेंसिटी खत्म नहीं होती है, और बल्कि वॉल्यूम इंक्रीज रहता है। अच्छा, ये रहता है, अगर आपने स्मूथनिंग कराई किसी के हेयर फॉल होने लगता है, किसी को कुछ होने लगता है, कई बार बंदे को सूट भी नहीं करती है, तो ये नैनोप्लास्टर हर बंदे को, हर एज के ग्रुप में बंदे को ये सूट करेगा ही करेगा।
कंपनी ने बोला है कि 16 की एज की गर्ल्स के और आपको जितनी मर्जी एज की अच्छा, मतलब 16 प्लस वाले इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा ट्रीटमेंट है ये। आप स्मूथनिंग नहीं कर सकते 16 की एज में लड़कियों को, तो ये चीज़ें बेटर है नैनोप्लास्टी ट्रीटमेंट, हार्मफुल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए हार्मफुल होनी भी नहीं चाहिए। बाल एक ऐसी चीज है जो इंसान की खूबसूरती बनाते हैं, बिल्कुल बढ़ाते हैं। तो इसके अलावा भी कोई और प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज करते हो? क्योंकि मैंने सुना है केराटिन की जब बात आती है तो लोग कहते हैं जीके की केराटिन बहुत अच्छी होती है, क्या उसके अलावा कोई और भी है जो इससे भी अच्छी हो? हमें पता क्या, जीके इज ए कंपनी फर्स्ट लॉन्च किया था जीके ने केराटिन को इंडिया के अंदर, तो इसलिए नाम ज्यादा है उसका और क्वालिटी भी अच्छी है उसकी, ऐसा नहीं है क्वालिटी भी अच्छी, लेकिन केराटिन जो है केराटिन से वर्जन ट्रीटमेंट आया है यही बताया ना मैंने, नैनोप्लास्टी इसमें क्या है केराटिन भी है बोटॉक्स भी है स्मूथनिंग भी है, यानी कि तीन वर्जन है इसके अंदर बनाई नैनोप्लास्टी ट्रीटमेंट। ठीक है, इसे करवाने के लिए कितनी रकम चुकानी पड़ेगी इसकी? मैम अभी तो हमने आफ्टर डिस्काउंट 4999 में रखा हुआ है ये, अदरवाइज कम से कम 7000-8000 में होती है, लेकिन हमने 4999 में रखा हुआ है ये। अगर हम बाहर करवाने जाएंगे तो इससे ज्यादा देने होंगे, 7-8000 रुपए खर्च होते हैं बंदे के, ये हमने 4000-5000 तो आप इतना कम क्यों दे रहे हैं? मैम हमने अभी कंपनी से लॉट उठाया है, थोड़ा सा बल्क में माल उठाया है, तो हम स्कीम भी दे रहे हैं क्योंकि कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है, तो हम भी क्लाइंट तक पहुंचना चाह रहे हैं कि क्लाइंट एक बार सर्विस कराएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। अभी कुछ लोग करवा के गए होंगे आपसे, उनके क्या रिव्यू रहे हैं? बहुत अच्छे रिव्यूज है, आप हमारे गूगल पे रिव्यूज चेक कर सकते हैं, और एज ए हमारे क्लाइंट अभी भी नैनोप्लास्टी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, एक बार कैमरा एक बार चेक करा दीजिए, नैनोप्लास्टी ट्रीटमेंट करा रहे हैं। मैम आप क्या करा रहे हैं? नैनोप्लास्टी ट्रीटमेंट कराए और 100% और रेगुलर भी करा ही रहे हैं और रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा उसका। और केराटिन का तो ऐसा है, केराटिन का जो रिजल्ट है ना, केराटिन आपको 2 मंथ चलेगी 3 मंथ चलेगी बस, फिर दोबारा करानी होगी। केराटिन जो लेमिनेशन कोटिन होती है जो वॉश के बाद निकलती रहेगी, आफ्टर वॉश के बाद निकलती चली जाती, लेकिन जो एक बार नैनोप्लास्टी ट्रीटमेंट कर दिया ना किसी क्लाइंट को, वो 1 ईयर अबव चलेगा और इसको रूट्स से भी हेल्दी करता है हमारा हेयर, तो इससे बाल स्ट्रेट भी हो जाएंगे हमारे, 100% स्ट्रेट हो जाते हैं और रूट्स भी हेयर हेल्दी होता है हमारा इससे, ऐसा नहीं है। और जैसे स्मूथनिंग में रूट्स थोड़ा सा वीक हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत औसम, तो मतलब ऐसा होते जा रहा है, सबसे पहले आई थी रिबॉन्डिंग, फिर उसको मात दी स्मूथनिंग ने, फिर मात दी केराटिन ने, अब उसके लिए कुछ और नया आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही पहुंचे हो आप, एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही है तो वो चीज होती है। स्मूथनिंग से बंदा पहले रिबॉन्डिंग कराता था, बहुत हार्ड केमिकल था, स्मूथनिंग कराता, मैं स्मूथनिंग की ना तो बुराई कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, बट ये थोड़ा बहुत 19-20 का थोड़ा बहुत रहता है कि हाँ मैंने क्लाइंट को भी रहता, मैंने स्मूथनिंग कराई तो मेरे बाल नहीं झड़ जाएंगे, ये नहीं हो जाएगा, लेकिन ये रहता है कि ठीक है। तो इसे कितने टाइम बाद करवाना पड़ता है, एक बार करवाने के बाद? मैं आप ये 1 ईयर अबव चल जाता है एक बार नैनोप्लास्टी, बहुत अच्छा। और अगर केयर करेंगे तो और लंबा खिंच सकता है, होम केयर प्रोडक्ट यूज करो तो बहुत अच्छा चलता है इसके लिए। मैम हेयर अगर आपके अच्छे हैं तो आपकी खूबसूरती में 4 दिन लग रहे हैं, यही राज तो नहीं है? मैम हमारे तो है ही है, हम तो सैलून में कुछ ना कुछ यूज करते रहते हैं, जो अच्छा प्रोडक्ट आता है हम अपने पे भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। जब तक हम अच्छे नहीं रहेंगे तो फिर कैसे क्लाइंट को, आज भी देखो मेरे हेयर इतने कलर भी करता हूँ स्मूथ में, कभी भी कर लेता हूँ, हेयर कलर करते करते मुझे 10-15 ईयर्स हो गया और एक भी बाल नहीं टूटता मेरा, एक भी बाल नहीं झड़ता है, हमेशा मजबूत रहते हैं हेयर हमारे, जबकि लोगों ने ऐसा कह रखा है कि बाल कलर करो तो टूटने लग जाते हैं। देखिए आज की डेट में केमिकल तो फूड में भी केमिकल है, सब चीज में केमिकल आ रहा है, डिपेंड करता है वो केमिकल कैसा केमिकल है, ऐसा नहीं है कि हम लोकल केमिकल यूज कर रहे हैं, हर केमिकल की एक क्वालिटी होती है। लोकल यूज करोगे तो चाइनीज प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ये बाल भी चले जाएंगे, स्मूथनिंग चाइनीज आ रही है वो भी खत्म हो जाती है उससे भी, तो प्रॉब्लम तो आती है प्रोडक्ट पे डिपेंड। अब मेरा ज्यादा सवाल तो आपसे नहीं पूछूंगी, बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया, आप भी वीडियो के कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, वहां पर कमेंट करिएगा, भैया उसका जवाब देंगे आपको। मैं ये जानना चाहूंगी ये जो इतने सारे प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट इंसान चुने तो चुने कैसे, क्योंकि मार्केट में इतने सारे, सभी इतने अच्छे बताते हैं अपने अपने प्रोडक्ट को। मैम सभी बेस्ट बताते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ एक बार सैलून पे विजिट करें, अपने नज़दीक सैलून पे किसी भी सैलून पे जाइए और अच्छे प्रोफेशनल के पास जाइए और अपना स्कैल्प चेक कराइए, अपने हेयर की लेंथ चेक कराइए, क्योंकि हर ये नहीं है कि हमने एक सैम्पल ले लिया एक ब्रांड का कोई सा ब्रांड तो और वो हमें पूरे साल वही चलाना है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि 3-4 मंथ में वेदर चेंज हो जाता है, वेदर चेंज करने होने की वजह से क्या हमारी हेयर की क्वालिटी भी चेंज हो जाती है। वो कैसे चेक होता है? वो इन सैलून आइए, किसी भी अच्छे प्रोफेशनल पे जाइए, सैलून पे नियर बाय जाइए, नहीं हो तो हमारे पास आइए तो हम बताएंगे ना, आप भी चेक करके बता देते, चेक करके बताएंगे ये कैसे होता है, ये एक टेक्निक है अपने पास, आप भी चेक कर लेते। हाँ बिल्कुल चेक कर लेते, एक टेक्निक होती है कि हाँ इसकी स्ट्रेंथ कितनी है,
लॉन्ग लास्टिंग है, स्कैल्प मजबूत है या नहीं है, लॉन्ग बीच में से हेयर ब्रेक तो नहीं हो रहा है, बहुत चीज़ें होती हैं चेक करने के लिए। और कैमरे भी होते हैं हमारे पास, कैमरे चेक करने के लिए, कि माइक्रोस्कोप भी होता है कि उससे चेक किया जाए कि कैसा हेयर की क्वालिटी है, कैसी नहीं है। तो उसी हिसाब से हम जैसे डॉक्टर के पास कंसल्ट जाते हैं, ऐसे एक बार हमारे पास आइए, हम तो अभी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि किसकी क्वालिटी कैसी क्या है, ये चीजें रहती रहती। आपका एड्रेस क्या है, आप एक बार एड्रेस समझा दीजिए। एड्रेस तो विकासपुरी H2/2 नियर डीडीए लाल मार्केट है, विकासपुरी में है, ये हेयर क्राउन सलून के नाम से है। और आप एक बार अपना नंबर भी बता दीजिए, वैसे तो स्क्रीन पर आपको इनके नंबर्स दिख ही रहे होंगे। फोन नंबर मेरा 9899100093, इस पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए अपने, और जल्द से जल्द अपने आइए और सर्विस लेके जाइए, बहुत बढ़िया रहेगा रिजल्ट। भैया ये जो आपने बोला ना बाल चेक करते हैं, वो कैसे करते हैं वो आप एक बार दिखाइए दर्शकों। मैम आप बैठिए, आपके ही चेक करके दिखाते हैं ना आपके कितने हेयर डैमेज है, कितने क्या मेरे है। तो भैया बहुत ज्यादा डैमेज है मैम, आपको इतना लग रहा, हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम टेस्टिंग करते हैं। एक बार ठीक है, मैं देख लेती हूं, एक बार चेक कर लिया जाए कि कैसे होता है ये सब टेस्ट। मैम जरा एक बार हेयर टेस्ट करके दिखाओ मैम, कितना हेयर डैमेज है और कितना ब्रेकेज हेयर है। ये देखिए मैम, जितना भी आपका ब्रेकेज हेयर है वो आपके सारे हेयर से आउट हो जाएगा, सारे ये सारा ये ड्राइनेस डलनेस फ्रीजनेस होता है जो हमारी हेयर्स में आ जाता है। लाइक अगर हम अपने हेयर के अकॉर्डिंग शैम्पू मास्क यूज़ नहीं करते या फिर रॉन्ग प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, अच्छे से केयर ही नहीं कर पाते, तो हमारा हेयर ना बीच में से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि हमारे बालों में जब ड्राइनेस आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो हमारा बाल टूट जाता है। जब हम नॉर्मल शैम्पू करेंगे, मास्क लगाएंगे, कॉम्बिंग करेंगे, क्या होता है कि हल्का सा भी है ना अटकेगा तो खींचेगा, खींचेगा तो टूटेगा, ये सबसे बड़ा रीज़न होता है ब्रेकेज हेयर का। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका अपर पार्ट तो हेल्दी रहेगा, बट बॉटम में आते आते आपका हेयर पूरा लाइट हो जाता है और आपके बालों में इतना डस्ट है, वो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कितना डस्ट है और कितना पॉल्यूशन है। ये भी चेक किया जा सकता है? हाँ जी। तो भैया इसी के हिसाब से फिर आप ट्रीटमेंट करते होगे बालों का, पहले चेक हेयर टेक्सचर, पहले चेक करना पड़ता है कि कितनी स्ट्रेंथ है, कितना डस्ट है, थोड़ा सा खींचेगा। आप मेरा हेयर स्टाइल खराब कर रहे हो। कोई नहीं, आप सलोन में बैठे हो, आपका अच्छे से कैरी कर रहे हैं आप। ये भाई दिखाइए जरा, ये कितना डस्ट निकल रहा है इनके। ये जस्ट 1 इंच के पार्ट में स्क्रैच की है, तो इतना डस्ट है, ब्लैक वाला पार्ट है। अगर इसको हम और अच्छे से स्क्रैच करेंगे तो और ज़्यादा निकलेगा। तो आप अच्छे से शैम्पू मास्क यूज़ करो, अपने हेयर टेक्सचर के अकॉर्डिंग शैम्पू मास्क यूज़ करो, आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और साथ साथ अगर आप ट्रीटमेंट ले सकते हो आप ट्रीटमेंट लो, डेफिनेटली आपका हेयर ब्रेकेज कम हो जाएगी, ड्राइनेस डलनेस फ्रीजीनेस सब आपका रिमूव हो जाएगा। भैया जैसे आपने मेरे बाल टेस्ट करके बता दिया, खैर हम फील्ड पे रहने वाले लोग हैं तो हमारे बाल ऐसे डैमेज हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। और अब इस हिसाब से आप लोग ट्रीटमेंट बताते हैं जो भी दिक्कत आती है बालों में। हाँ यस, आप जैसे आपने मेरा देखा तो मुझे क्या करवाना सही रहेगा मेरे लिए? देखिए आपको अगर कहीं का क्लाइंट का अलग अलग पर्पज होता है, किसी को स्ट्रेट चाहिए होते हैं प्रॉपर, किसी को नहीं चाहिए होते, किसी को ट्रीटमेंट ही चाहिए होता है। तो बताया ना मैंने अभी नैनो प्लास्टिक न्यू टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट आया, इसमें स्मूथनिंग और स्ट्रेट दोनों ही हो रहे हैं और आपके हेयर हेल्दी भी हो रहे हैं और रूट से भी हेल्दी होएगा। एक तो होता है कि लेंथ ही लेंथ अच्छा होता है, इससे रूट से भी हेयर हेल्दी होता है और आपकी वॉल्यूम भी इंक्रीज रहता है। स्मूथनिंग कराते हैं तो वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन जाता है, इस भी अगर आप नैनो प्लास्टिक कराते हैं तो आपका जो है डेंसिटी वैसे की वैसे ही रहती है। कितना टाइम लगता है इस ट्रीटमेंट को करवाने में? 2-3 आवर्स लगते हैं मैम इसमें, और बहुत अच्छा रिजल्ट। और क्या इसके बाद हेयर कलर यूज़ कर सकते हैं जैसे करते हैं या पहले ही करवाना पड़ेगा? मैम पता क्या होता है, सबका अपना ये रहता है, किसी को पहले देना पड़ता है ट्रीटमेंट, किसी को आफ्टर कलर के बाद देना पड़ता है ट्रीटमेंट, वो टेक्सचर चेक करने के बाद ही पता लगता है। कई बार ऐसा होता है कि कलर पहले करना पड़ता है, और अगर हमने नैनो प्लास्टर ट्रीटमेंट पहले बाद में करा तो फिर वो कलर फेड आउट हो जाएगा किसी, ये चीज़ें सिचुएशन देखने की बात ही पता लगती है। देखिए जितने भी सवाल शायद आप लोगों के मन में होंगे, उन्हें सुलझाने की कोशिश की है, उनके जवाब देने की कोशिश की है। आप लोग खुद यहाँ पर विजिट करिए, जो भी दिमाग में आपके सवाल आ रहे हैं आप आकर इनसे पूछिए। जो भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, बहुत सारे जो ऑफर्स हैं वो यहाँ पर है, आप उन्हें यहाँ पर आकर अवेल कर सकते हो। मात्र 2,999 रुपये में 4 सर्विसेज आपको मिल रही हैं, जो कि एक धमाकेदार ऑफर है। आप यहाँ पर आइए, कॉल कर लीजिएगा, कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए, यहाँ पर आइए और उसके बाद मुझे कॉमेंट करके बताइएगा आपको इनकी सर्विसेज कैसी लगी। जो भी चीजें वीडियो में बताई गई हैं आपको यहां पर आकर कैसा लगा है मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे यानी कि आफरीन खान को दीजिए इजाजत और देखते रहिए तेज तर्रार।